कोरोना वायरस महामारी के बीच फैरो आइलैंड पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ अचानक समुद्र का पानी पूरी तरह से खून की तरह लाल हो गया। दरअसल ये खून की तरह लाल नहीं बल्कि ये खून ही था उन 300 वेल मछलियों का जो कोरोना वायरस के चलते मारी गई। फैरो द्वीप समूह नॉर्वे और आयरलैंड के बीच उत्तरी अटलांटिक में यहां 18 छोटे छोटे द्वीप हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध है, जिसके बाद फैरो आयरलैंड पर विवादास्पद आयोजन ने 300 वेल मछलियों की एक साथ ही जान ले ली, जिसके चलते समुन्द्र में खून ही खून हो गया। ये नज़ारा वाकई दिल दहला देने वाला था। जानकारी के मुताबिक यहाँ की परंपरा है कि यहाँ बड़ी मछलियों का शिकार का आयोजन किया जाता है, जिसे ग्रिंडराफ या द ग्राइन के रूप में जाना जाता है। यहाँ परंपरा काफी दिल दहला देने वाली है। परंपरा के अनुसार इस आयोजन में वेलों के नामों के साथ घेरने और उसको फंसाने के बाद पकड़कर उस पर चाकू से वार किया जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोग सदियों से वेल फिश स्प्रे का शिकार कर रहे हैं। वही जानवरों के हितों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता लंबे समय से इस आयोजन का विरोध कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार देशों में वेलिंग प्रथा यानी कि वेलिंग प्रैक्टिस का बचाव करती है। सरकार का दावा है कि यह पूरी तरह विनियमित है। अधिकारियों के अनुसार स्थानीय लोग सालाना औसतन 800 पायलट वेल्स का शिकार करते हैं। अधिकारियों के अनुसार जिन वेल मछलियों को वो शिकार करते हैं वो लुप्त होने वाली प्रजाति नहीं है। उन्होंने कहा कि वेल का शिकार त्योहार नहीं स्थानीय समुदाय के भोजन का जरिया है। गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी 2015 में इसी क्षेत्र में फंसी 200 वेल को बचाने का अभियान भी चलाया गया था, लेकिन उनमें से अधिकांश की मौत हो गई थी। उथले पानी वाली गोल्डन खाड़ी अक्सर ऐसी घटना में सामने आया करती है। सिनीज ब्यूरो स्मृति रावत की रिपोर्ट।